वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। उस दिन का स्ट्रीम लैग हो गया था, मतलब नहीं चल रहा था नेट, इसके लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है। तो चलो देखते हैं क्या हुआ उस मैच में। काफ़ी कोशिश किया पर हुआ नहीं। यहाँ पे मिड में अलुकार्ड है और भूषण है NIA की तरफ से, और HWS की तरफ से एटलास, वेल, हैंजो, जॉयड और मेनिसितार। लेन जैसे क्लियर कर रहे हैं, मिड में अभी हैलस आ चुके हैं, एटलास वेल रोटेट कर रहे हैं बॉटम साइड, जहाँ मतलब उनके हिसाब से गुशन ने एम किया वेल को और ये टेक डाउन कर लिए इजीली। फास्ट हैंड का जलवा दिखाते हुए गुशन की तरफ से लेन क्लियर करने वापस चले गए गुशन। अभी अलुकार्ड टर्टल निकाल रहे हैं, ये मैं रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ था। अलुकार्ड यहाँ पे एटलास जो यहाँ पे कांटा भी आते हुए हैलस और मिड में पुश करने की ट्राई कर रहे हैं, मिनी सितार भी बैक साइड से आ रही है। यहाँ पे गुशन ने वेल को निकाला है, थोड़ा सा इशू है वो टाइम पे। यहाँ पे अलुकार्ड ने मिनी सितार को टेक डाउन किया और ये अलुकार्ड देख रहे किल कंफर्म करेंगे कि नहीं। टेटलास और हैंजो ने मिल के हाइलस को टेक डाउन किया, फिर अलुकार्ड भी रिकॉल मार रहे हैं और हैंजो हील बफ लेना चाह रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। फिर से मैंने देखा था स्ट्रीम कनेक्ट करने का कोशिश पूरी थी, हुई नहीं थी। यहाँ पे गुशन ने वेल को ऑपस टारगेट किया लेकिन एयर नॉक बैक और एटलास और इजीली निकाला वेल ने किल। इस बार फास्ट हैंड का जलवा कर सकते थे पर उन्होंने एयर नॉक दिया, इसके लिए वो इजीली नॉक किए, मतलब किल किया वेल। यहाँ पे जोहेड ने नॉक किया और ये एयर में डाल के अकबर को इजीली टेक डाउन किया। अलुकार्ड हैलस टॉप पे आ चुके और यहाँ पे मिड में काजा भूषण साथ में, देखना पड़ेगा। अलुकार्ड हैंजो के ये इजीली निकाल लिया लग रहा, हाँ निकाल दिया। एटलास ने हैंजो और वेल मिलके अलुकार्ड को टेक डाउन किए, काजा को चेक करे हाइलर वहाँ से अपना रन दिखाते, पर हैंजो ने काजा को टेक डाउन किया और भूषण ने टेक डाउन हो चुके। भूषण ने यहाँ पे वेल ने हाइलर को भी टेक डाउन किया। बॉटम लेन पे एक्सबॉर्ग वर्सेस फ्रेया हो रहा है, अरे सॉरी फ्रेया बोलो मिनी सितार। HWS के टीम में काफ़ी बढ़िया है, मतलब जैसे CC देखेंगे तो एटलास क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं, मिनी सितार क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं, मेज भी क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं, और NIA के टीम के पास क्राउड कंट्रोल करने के लिए इतने हीरो तो नहीं है। टर्टल आ चुका है, देखते हैं कौन लेता है टर्टल देखते हैं। यहाँ पे गोल्ड देख सकते हैं NIA 13 और ओहो गुशन ने एटलास को मार किया और गुशन ने एटलास को टेक डाउन किया, बट वेल ने गुशन को टेक डाउन किया और हैंजो ने अलुकार्ड को। यहाँ पे रिकॉल मार रहे हैं एक्सबॉर को देखने आए, इमोलिटी की वजह से एक चांस और मिलेगा एक्सबॉर को। मिड में हाइलस है, टॉप पे काजा है, अलुकार्ड और गुशन भी आ चुके मैच को टीम फाइट में ज्वाइन करने के लिए। टर्टल के पास देखते हैं क्या होता है, अभी कोई आता है कि नहीं कि HWS टर्टल निकाल लेंगे। व्हील भी आ चुके हैं, एटलास भी आ चुके हैं, मिनी सितार भी आ चुके हैं, टॉप पे अलुकार्ड है, जोहेड को एम करने जा रहे हैं, हाइलस विजन दे रहे हैं, गुशन आ चुके हैं, गुशन को चेस कर रहा है एटलास, बट कोई फ़ायदा नहीं, HWS ने टर्टल निकाल लिया। मिड में है एटलास और व्हील, यहाँ पे अलुकार्ड कुछ करना चाह रहे हैं, नज़र दिखा टेकाए हुए। यहाँ से गुशन आ चुके हैं लेन क्लियर कर रहे, बट टॉप पे रोटेट मारने जा रहे हैं उनको पीछे पीछे एटलास भी देख रहे हैं, जोहेड भी यहाँ पे, हैंजो भी
टॉप पे आने की कोशिश कर रहे हैं और ये जॉयड ने उड़ाया है मुझे को, जॉयड ने विशन को उड़ाया मतलब, और ये काजा को टेक डाउन किया एंजो ने। तो ये हाईलेस बच पाएंगे, बच गए यहाँ पे आलू काट में जॉयड को टेक डाउन किया और विशन ने एटलास को। ओशन वेल को भी लेना चाह रहे हैं बट नहीं गए वो अंदर, क्योंकि उनको मालूम है फिर से एयर बैग एयर नॉक देंगे और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। एग्जॉर में अपना बॉटम लेन निकाल लिया है बट हेंजो डैमेज दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हेंजो ने एग्जॉर को टेक डाउन कर दिया, अपना किल कन्फर्म। यहाँ पे आलूकार्ड ने जब मारा हेंजो को ईजिली मार सकते हैं क्योंकि अल्टी उल्टी सब हो, अल्टी पल्टी सब हो गया। ये एन आई ए के आलूकार्ड ने हेंजो को टेक डाउन किया। जॉयड इजीली काजा को ले लेंगे क्योंकि भाई काजा सपोर्टर है, सोलो रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, वो इतना नहीं कुछ कर सकते, और जॉयड जैसे टैंकी टाइप में। हाँ, जॉयड टॉप पुश कर सकते हैं बट टेक्सबॉर्क वहाँ पे आ चुके हैं डिफेंड करने को। बॉटम में अब तक कोई नहीं है, टर्टल आ चुका है, देखते हैं इस बार कौन टर्टल लेके जाता है। हाल जॉहेड को एम करने के लिए बैठे तो हैं बट वहाँ से हेंजो वेल एटलास ले जाने के लिए यहाँ पे बस सब किल इस्तेमाल हुआ, लेकिन जॉहेड का जो मिशन था किल करना निकाल लिया। आलूकार्ड जम मार रहे बसते हुए, वेल को चेस कर रहा है मिशन बट बैक आ गए, समझदारी वही है, एटलास आ रहे, हेंजो भी आ रहे। अब जाना चाहिए टर्टल की तरफ शायद। हाँ, मिनी सितार ने शायद बॉटम पुश, हाँ बॉटम पुश हो गया है एच डब्ल्यू एस की तरफ से। भूषण वहाँ पे नज़र टिकाए देख रहे कोई आए तो मेरा अपरा अपना फास्ट मूवमेंट दिखा के किल कर सकूँ। इस बार को लग रहा है किल करेंगे जॉयड, बच गए जॉयड। हाइलस वहाँ पे आ चुके हैं, काजा भी वहाँ पे आ चुके हैं, गुशन नज़र टिकाए हुए, गुशन जा रहे हैं हेंजो के मतलब बॉडी के पास। हाँ, एच डब्ल्यू एस ने डबल किल निकाल दिया, एन आई ए ने सिर्फ एक किल निकाला। आलूकार्ड को भी ले लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं था जाने को, कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि इतने सी सी है, जो लाइफ स्टील करना रहे तो अगर सी सी नहीं रहे तब ना लाइफ स्टील होगा। एटलास ने अपना किल सेव कर लिया। एग्जॉर्ड भी आ चुके हैं अपना बॉक्स लेना चाहिए। एंजो अपनी आत्मा को भेज के शायद पुश करना चाहे, यहाँ पे नज़र टिकाए हुए है। कंफर्म किया जो हॉट टॉप पे आकाजा और जा रहे हैं, गुशन भी वहाँ पे पहुँचने वाले, यहाँ पे काजा ने कर दिया और ये तीनों ने मिलके गुशन और हाइलर काजा मिलके हेंजो की बैंड बजा दिए। अब तक एन आई ए का 14 किल्स और एच डब्ल्यू एस का 21 किल्स। अभी भी एन आई ए कम बैक कर सकते, इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा। रेड टीम टर्रेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ओह, मैंने
उसी तरह का फ्लिकर में एग्जॉस्ट को चकमा दे दिया। रेड टीम हीरो हैज बीन स्लेन। क्योंकि मैंने उसी तरह को बैक साइड चले आना ना, उन्होंने खुद को ही मौत कर दिया, राजा बंदर को मार दिया था। यहाँ पे एलुकार्ड आ चुके हैं, एंजो को मारने का है, तो इसमें फिर से है कुछ करना नहीं चाहिए। हाँ एंजो ने हाईलेट से इनके एक्चुअली मार सकते हैं, एंजो मार देंगे नहीं बच के। यहाँ पे जो है एंजो को किल किया बॉटम लेन में, लो एचपी में जा रहे हैं। ग्रूसन भी बॉट में है पन जॉयट नजरों से बचते हुए बच गए जॉयट। ब्लू टीम टर्रेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। टॉप शायद मैंने सितार पुश कर देना चाहिए, अब तो कोई नहीं है। एलुकार्ड भी आएंगे तो फिर भी पुश हो जाएगा, अपना अल्टी अगर इस्तेमाल करते तो फिर भी। ब्लू टीम टर्रेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। कैच नहीं कर पाया मैंने सितार, नहीं तो फिर एटलास भी आ जाते थे। यहाँ पे काजा ने को पता चला काजा को उड़ाया आगे में, ट्रिपल किल हो गया। एनआई की तरफ से ट्रिपल किल ऑल आउट निकालने में कामयाब, लेकिन मैं बोल रहा था मैच एनआई से हम अभी भी कमबैक कर सकते हैं, तो ट्रिपल किल तो गुशन ने निकाल के इजीली ये शायद मैच निकाल सकते हैं ये एनआईए की टीम। गुशन फार्म हो रहे हैं बॉटम, एलुकार्ड भी अपना फार्म ले रहे हैं अपना बफ, एक्सबॉर बॉटम लेन क्लियर करने जा रहे हैं। रेड टीम टर्रेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। एनिमी टेरेन डिस्ट्रॉय, एक और टेरेन टेक डाउन करते हुए। अब वैसे डब्ल्यू एस एक टेरेन पीछे से अपने हैंड स्पिन दिखाते हैं, बट मिशन बच नहीं कर एक्सबॉर का अल्टी और एक्सबॉर ने एटलास को टेक डाउन किया। जॉयड अभी भी जिंदा है, मिनी तार भी फ्लिकर मार यूज करके जॉयड बच गए। लॉर्ड टॉप पर आ रहा है, क्या यहाँ पे मैच का एंड होगा? यहाँ पे ये टावर पुश हो सकता है बट नहीं, मिड पुश करने जा रहे हैं। हाँ है ना, ये मिड पुश कर रहे हैं। यहाँ पे लॉर्ड भी समाप्त कर दिया, लेकिन एक और टर्न पुश हो गया लॉर्ड के तरफ से। यहाँ पे काजा दिखते हुए, काजा हाँ बैक आ गए काजा। गुशन भी बैक का टीम फाइट के लिए आ चुके हैं, मतलब आ रहे रास्ते में हैं। एलुकार्ड काजा हाइलस बाहर गए बॉटम लेन, गुशन वेट कर रहे हैं, कोई बाहर है किसी को अभी। वेल ने भी इमोटिलिटी लगा ली है क्योंकि गुशन का हाई डैमेज बार बार वेल को टेक डाउन कर रहा था। मुझे लगा था कि लॉर्ड के साथ मैच थोड़ा समाप्त हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ। एलुकार्ड और काजा वेट कर रहे थे किसी के आने का, किसी के आने का बस। वे गुशन ने अपना तो रेड वेड फेंक दिए, पौधे पर फूल भी लगा दिया बट हुआ नहीं। यहाँ पे काजा ने जॉयट को पकड़ के लाया, एलुकार्ड ने जॉयट को मारा। यहाँ पे एटलास का नाइस अल्टी डबल किल निकालते हुए वेल, कोई मतलब नहीं, एक किल के लिए दो किल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक
वाटर लेन क्लियर करते हैं। देख रहे हाइलाइट्स मदद पफ निकाले लेकिन गुशन इंटरेस्ट नहीं दे रहे। यहाँ पे गुशन इमोटिलिटी कारवां टूट गया है एक बार का। गुशन हाइलाइट्स अभी वेट कर रहे कि कोई आए उसे बूम बम देते हुए। मैंने सितार ने कैच किया हाइलाइट्स को। हो हो क्योंकि यहाँ परफेक्ट उन्होंने मतलब ऐसे घास में डाला था, ये तो कंफर्म था तो किसी को तो पकड़ना ही। और हाइलस आगे थे, आखिर गुशन ने रेड बफ निकाल लिया। जो हाइलस मदद कर रहे थे नहीं ले रहे थे क्योंकि उनका प्लान फेल्ड हो गया। और एक बार चेक किए मैंने सितार ने कि और एक कोई तो घास में नहीं छुपाए। लॉर्ड के तरह हाइलस लोड लेना चाहेगी एन आई ए और एच डब्ल्यू एस के लिए। कुछ ने डैमेज एग फॉर चालू हो गए, आलू काट दिए। हाइलस देख रहे हैं और काजा टॉप पर, काजा भी लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे टास्क को स्टन किया, लॉर्ड निकाल लिया एन आई ए की टीम ने। हैंजो डैमेज दे रहे हैं, हैंजो गुशन के पास जा रहे थे इसके लिए गुशन बैक साइड चले गए। एक बार वहाँ पे जोहेड काजा को पकड़ा गया बट जोहेड बच निकलेंगे क्या? नहीं, एक बार ने जोहेड को निकाला। मिनी सितार ने कैच किया, एक बार को इम्यूनिटी है बट नहीं बच पाएंगे क्योंकि मिनी सितार का क्राउड कंट्रोल जो जाने नहीं देगा। यहाँ पे लॉर्ड भी आ चुका है, आलू गार्ड भी आ चुका है। इंतजार करते घुशन, वैसे सभी के पास इमोर्टिलिटी है, घुशन कुछ नहीं कर पाएंगे। जाने की जरूरत नहीं थी, एटलास ने पकड़ लिया। हाइलस आलू कार्ड बैक साइड आते हैं, टॉप पर हैंजो है। रेड टीम हीरो हैज बीन स्लेन। आलू कार्ड से जो आलू कार्ड ने हैंजो को किल किया। और आते हुए मॉकलेम देखते हैं है ना। ये अभी बहुत आगे लीड में है। एच डब्ल्यू एस के पास रीबे की टावर है, वो भी एकदम लो एच पी बॉटम। कभी भी कुछ भी हो सकता है। है ना ये अभी भी 24 किल्स के साथ और एच डब्ल्यू एस 29 किल के साथ है। देखते हैं अब भी क्या होता है। आलू कार्ड भी अभी भी वहाँ पे रुके हुए हैं ग्रास के अंदर। मेस बुश गुशन भी आ रहे हैं, हाइलस भी है उधर। यहाँ पे अलुकार्ट गुशन काजा एक्सबॉर्क सब तैयार है। एच डब्ल्यू एस की टीम भी तैयार है कुछ बम बम देने के लिए। काजा भी देख रहे हैं कि किसे मैं पकड़ू छड़ दूँ। यहाँ पे गुशन को हाईली डैमेज मिला है, उन्हें बैक साइड जाना होगा या तो रिकॉल या कुछ तो बग भी लेके हेल्थ पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने रिकॉल किया, इतना डैमेज खाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे काजा एक बार बैक होते हुए गुशन आते हुए रिटर्न रिकॉल करने के बाद अलोकार्ड वहीं पे बुश में है। एक मोमेंट या फिर एक मिस्टेक का वेट कर रहे हैं आलू कार्ड। इस बार हैंजो बुश के अंदर गुशन आइलेस भी आ चुके हैं और यहाँ पे काजा ने फ्लिकर यूज़ किया बट नहीं करना चाहिए था वो।
पांचों ने मिलके कादा को खज्जू याद दिला दिया। वहाँ पर हाइलेट जान ने सपोर्ट देने के चक्कर में खुद का भी बलिदान दे दिए। यहाँ पे ना एक्सबॉर कुछ कर सकते हैं ना गुशन, फिर भी गुशन अरे एक्सबॉर ने अपना बस्ट यूज़ किया। इम्यूनिटी जब तक टूटेगी नहीं तब तक कुछ मतलब नहीं है कुशन को किल निकाल के, क्योंकि फिर से जिंदा होगा बाद में इजीली मार देंगे, जैसे कि HWS हाई डैमेज दे रही है गुशन को। लॉर्ड भी देखते हैं थर्ड लॉर्ड को निकालता है। काली कार्ड बैक साइड जाते हुए हाइलेस मिड में आते हुए एक्सबॉर और गुशन में आते अभी भी रुके हुए फ्लिकर यूज किया ताकि मैंने सतार पकड़ ना ले। आलू कार्ड एकदम वापस से टॉप पे चले गए। क्या पीछे से वार करना चाहेंगे आलू कार्ड? हाँ वो आ रहे, काजा भी आ चुके हैं धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। हाइलस जॉइड ने एक्सबॉर को टेक डाउन किया। हाइलस ने मिनी सितार को और ये गुशन को चेस कर रहा है जॉइड, और ये काजा ने धरा बट इम्पोलोटी वजह से फिर से जॉइड जिंदा होंगे। हाइलस को हैंजर ने हाइलस को टेक डाउन किया, हैंजो ने डबल किल निकाला गुशन को किल करके। बहुत ज़्यादा सीसी है HWS टीम के पास, NIA के पास इतने कुछ सीसी नहीं है, सिर्फ एक स्टैंड हाइलस का और एक आजा का पकड़ के खींच के लाना बस, और कुछ नहीं। और उनके पास है जॉहेड है, एटलास है, फिर वेल है, प्लस हैंजो का एयर नॉक देते और मिनी सितार का एयर कंट्रोल करना, मतलब एरिया मतलब किसी को जाने ना देना। यहाँ पे लॉर्ड निकालना चालू हो चुका है HWS की तरफ से। यहाँ पे काजा को देख रहे हैं, आलू कार्ड एक्सबॉर आ चुके हैं, एयरबॉर्न हुए, काजा निकालने की कोशिश कर, लॉर्ड निकालने आए, हैंजोन हैंजो ने आलू कार्ड का किल कंफर्म किया और रिकॉल करते हुए। क्या NIA की टीम डिफेंस कर पाती है कि, क्योंकि ये थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड के पास हेल्थ बहुत ज़्यादा। लॉर्ड NIA के बॉटम लेन से आने वाला है, निकल बड़ा है। यहाँ वे एटलास और वेल भी लेन क्लियर करते हुए, एक्सबॉर भी लेन क्लियर करने की पूरी कोशिश। यहाँ पे हल्की एक्सबॉर का अगले मैंने जितार क्राउड कंट्रोल करके पीछे जाते हैं, वेल का अच्छा अल्टी और डबल किल निकालते हैं। यार विक्ट्री HWS ने मैच निकाल लिया है। विक्ट्री 37 किल्स के साथ HWS। NIA के टीम ने अच्छा कमबैक किया था बट कंट्रोल नहीं कर पाए उसके बाद, और उसी के साथ उनको ये मैच लूज करना पड़ा। कमेंट करना को किसका क्या स्किल अच्छा लगा। ओके बाय बाय टाटा सी यू खत्म।